इसराइल ने हिजबुल्ला को एक और बड़ा झटका दिया है। इसराइली हमले में हिजबुल्ला के होने वाले नए चीफ हाशेम सैफेद्दीन को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक बंकर को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बंकर में हाशेम सैफेद्दीन हिजबुल्ला के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रहा था, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस हमले में हाशेम की मौत हो गई है या फिर वह बच गया है। हिजबुल्ला की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हाशेम सैफेद्दीन हिजबुल्ला की कार्यकारी परिषद का प्रमुख है और उसके ही हसन नसरल्ला की जगह हिजबुल्ला चीफ बनने की चर्चाएं हैं। हसन नसरल्ला की बीते शुक्रवार को इसराइली हमले में मौत हो गई थी। लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीती रात इसराइली सेना ने दक्षिणी बेरूत में लगातार 11 जगहों पर हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की। हिजबुल्ला के साथ साथ इसराइल हमास को भी निशाना बना रहा है। इसराइल ने कुछ घंटे पहले वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इसराइली लड़ाकू विमानों ने टुल कारेम इलाके में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें हमास का शीर्ष नेता जाही यासिर अब्द अल राजेक औफी मारा गया। इसराइली सेना का कहना है कि औफी बीते महीने इसराइली सेना पर हमले का आरोपी था। साथ ही उस पर आरोप था कि उसने विद्रोही लड़ाकों को इसराइली सेना पर हमले के लिए हथियार मुहैया कराए। फलस्तीनी अथॉरिटी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसराइली हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इसराइल के हमलों में बीते दिनों में 37 लोगों की मौत हुई है, वहीं 151 लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि लेबनान में पिछले 24 घंटों में 28 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए हैं। महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम ने एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी बमबारी के कारण छुट्टी पर हैं और वो नहीं आ रहे हैं, वे अपने कार्य क्षेत्रों से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सामूहिक आघात प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता का प्रावधान गंभीर रूप से सीमित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां उड़ान प्रतिबंधों के कारण शुक्रवार को देश में आघात और चिकित्सा आपूर्ति की बड़ी खेप पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगी। इसराइल का दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन जारी है। उसने दावा किया है कि एक बिल्डिंग पर हमला कर हिजबुल्ला के 15 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। हिजबुल्ला ने भी इसराइल की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। 6 से ज्यादा सैनिकों को मारा गया है। इसराइल का दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन जारी है। उसने दावा किया है कि एक बिल्डिंग पर हमला कर हिजबुल्ला के 15 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।